तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। और आज की वीडियो का टॉपिक है बेंटन अल्टीमेट एंड कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम रिव्यू। तो वे अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुपर हीरो एक्सप्रेस। तो वे हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा पहले आना चाहिए था चीट कोड्स और सब चीज़ों से पहले। तो वे वो चीट तो वे वो तब मैंने बताया बनाया नहीं था, तब ये चीज़ मेरे दिमाग में आई नहीं थी एक गेम रिव्यू भी बना दूँ मैं। लेकिन अब मैंने सोचा कि गेम रिव्यू बनाऊँ, तो फिर अभी अभी मैं गेम रिव्यू बना फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर ये गेम रिव्यू पे वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ। तो फिर इस वीडियो को आप देख लीजिए। जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि जो ये गेम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। तो फिर अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। हर वीडियो में बताता हूँ कि ये बिल्कुल स्मूथ चलता है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। बहुत ही अच्छा गेम है, आप लोग इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और ये गेम कैसे डाउनलोड करना है, ये बिल्कुल एलियन फोर्स गेम कैसे डाउनलोड करना है उसे मिलता जुलता है। और तो फिर वो वीडियो मैंने बनाई हुई है एलियन फोर्स गेम डाउनलोड की, आप उसे देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस है वेंटर हटिमिटेन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन गेम का। और तो फिर आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेगा। तो फिर अभी हम इस गेम का रिव्यू पे आते हैं। तो ये गेम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। लास्ट में मैं इसका थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा दूँगा। तो फिर ये गेम है बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये गेम इस गेम में हर लेवल में कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, जिसे करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसे करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। और जितना गेम डिफ़िकल्ट होता है आपके हिसाब से, मतलब जितना आप कर सकते हैं उतना डिफ़िकल्ट होता है गेम, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और ये वैसे ही आप लोग इसे कर ज़रूर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार गेम है। तब इसके फाइट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। पूरा गेम प्ले दिखाने के बाद मैं आपको इसकी स्टोरी लाइन भी बता दूंगा। और ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस गेम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस गेम को खेलते हुए। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टॉप 10 बेंटन गेम्स रखे थे। उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट था, यानी फर्स्ट पोजीशन पे मैंने बेंटन अल्टीमेट कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन को ही रखा था टॉप 5 में। तो वो सोच सकते हैं मैंने ऐसे ही तो उसे बेस्ट गेम ऑफ बेंटन बताया नहीं था। और मेरे ख्याल से तो ये पूरे वर्ल्ड का ही बेस्ट गेम है। तो मैं पूरे वर्ल्ड का बेस्ट गेम है मेरे हिसाब से, तो मतलब बेंटन के गेम्स में बेस्ट नहीं है, पूरे वर्ल्ड के जितने भी गेम हैं सब में से ये सबसे बेस्ट है, सारे गेम्स में से वर्ल्ड के। ये बहुत ही अच्छा गेम है, ये पूरा बहुत ही अच्छा गेम है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है, बिल्कुल स्मूथ चलता है। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। और इसमें हमें अल्टीमेट फॉर्म भी दिखाया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम अल्टीमेट में खुद नहीं चल सकते। और अगर आप एक्सबॉक्स या एमुलेटर या फिर PS2, PS3, PS4 या फिर एक्सबॉक्स में खेल रहे हैं, तो फिर आप इसमें रहते हो प्रोग्राम्स को भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फिर वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये गेम बहुत ही अच्छा है, इसमें कई सारे चीट कोड्स भी हमें दिखाए गए। इसमें हमें वेबिक भी मिला था लास्ट लेवल में, और इसमें हमें अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट स्वैम्पायर, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी, अल्टीमेट एक्वाका, अल्टीमेट बिक्चर जैसे बहुत ज़्यादा कूल और अमेजिंग अल्टीमेट फॉर्म्स भी दिखाए गए हैं। और ये गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इस गेम को आप ज़रूर खेलिएगा। ये इसमें बेंटेन
में आप इसमें सिर्फ 4 दिन एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने माना, लेकिन आप उनको गेम के बीच में भी बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने अनवर्स 2 में भी आपको 3 एलियन से खेलना पड़ता है, आप उन्हें बदल सकते हैं लेकिन गेम के बीच में नहीं बदल सकते। इस गेम में आपके पास ये एडवांटेज है कि आप इसे गेम के बीच में भी इसमें एलियंस बदल सकते हैं, और इसमें सारे एलियन सिवाय वेबिक के पूरे टाइम में अनलॉक्ड होते हैं। वेबिक भी अनलॉक तो पूरे टाइम में होते ही बेंटन के पास, लेकिन तब हम उसे यूज़ नहीं कर सकते थे लास्ट लेवल से पहले, लेकिन लास्ट लेवल के बाद हम कर सकते हैं, क्योंकि जब बेन ह्यूमन का सोना बदलता है इवे वेबिक को हराने, तब वो एक्चुअली वेबिक में बदलना चाहता था, लेकिन गलती से वो इवे वेबिक में बदलता था, तो फिर से ये भी पता चलता है कि वेबिक हमारे पास पैसे अनलॉक था लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। तो वेबिक बहुत ज़्यादा अच्छा एलियन था, मतलब वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उससे इवे वेबिक और वेबिक में फ़ाइट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी थी, क्योंकि ये दो एक ही स्पीसीज के एरियन में फाइट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि दोनों का सेम तरीके की पावर्स एंड एबिलिटीज होती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार गेम है, आप इसे जरूर खेलिए। हमें इसका थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देता हूँ बिना साउंड के, क्योंकि साउंड के साथ तो मैं आपको हमेशा दिखाता ही हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं इसे खोल रहा हूँ, तो फिर ये खुल रहा है गेम, ये री3 पब्लिशर का गेम है। तो फिर यहाँ पे मैं आपको एक नया प्रोफाइल बना के दिखा देता हूँ कि इसमें प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे प्रोफाइल बनाता हूँ, बैन टैन थ्री। तो फिर मैंने बैंटन 3 बनाया, तो फिर यहाँ पे न्यू गेम होगा क्योंकि ये तो नई आईडी है। तो फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका गेम प्ले भी देख लीजिएगा, बड़ी मज़ेदार है। तो फिर वो गति से वो पॉज हो गया था, तो भाई देखिए एलियन में कितने आसानी से बदला जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बिना साउंड के गेम प्ले दिखाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिव्यू है, अगर आपको साउंड के साथ गेम प्ले देखना है तो वो तो मैंने आपको बनाया कर दिया ही हुआ है चीट कोड्स के साथ। तो फिर देखिए एको की कार्बन कॉपी, इस गेम में कार्बन कॉपीज एलियन फोर्स की कार्बन कॉपी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो उनमें तो एक ही अटैक कर दिया जाए तो फिर वो हार जाती हैं। तो फिर वॉल ऑफ साउंड अटैक, यहाँ पे मैं आपको बिना चीट कोड्स के दिखा रहा हूँ, और हाँ आपको चीट कोड्स की वीडियो देखनी हो तो फिर गेम प्ले पार्ट 1 में वो वीडियो है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने लिखा है मेंशन भी किया हुआ है कि विद चीट कोड, तो फिर विद चीट कोड्स मैंने मेंशन भी किया हुआ है उस वीडियो में, देखो कितना स्मूथ ही चलता है ये गेम, कहीं से भी लैग नहीं हो रहा है। एको
humongous vampire और humongous और ऐसे strong aliens हमें इस गेम में देखने को मिले हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें एक अच्छी बात है कि कोई भी एलियन ब्लॉक करते हुए भी चल सकता है। देखिए कितने आराम से एलियंस ब्लॉक करते हुए भी चल रहे हैं। देखिए यहाँ तक कि बेंटन भी ब्लॉक करते हुए चल सकता है। तो फिर आप ये गेम देख ही सकते हैं कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा अमेजिंग गेम है ये। इस गेम का आप ज़रूर खेलिएगा, एक बार ट्राई तो कीजिएगा ही। दोनों तरीके से, अगर आप एक अच्छा गेम चाहते हैं या फिर आप बेंटन का कोई गेम चाहते हैं, अगर आप अच्छा गेम चाहते हैं या फिर आप बेंटन के फ़ैन हैं, दोनों ही तरीके से आपको ये गेम खेलना चाहिए। जैसे वॉर ऑफ साउंड अटैक में भी एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक से ज़्यादा बेटर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बेंटन इन्फोस विलगैक्स अटैक बहुत ज़्यादा बुरा गेम है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है, वो भी आप ज़रूर खेलिएगा। और वो गेम भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो गेम बड़ा ही मज़ेदार गेम है, इस गेम के ही तरह वो भी मज़ेदार गेम है। तो फिर वो गेम भी आप ज़रूर खेलिएगा। यहाँ पे आप अल्टीमेट ह्यूमंगस और को भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, अल्टीमेट ह्यूमंगस। तो फिर देखिए हमें जैसे कि ये बड़े ही मज़ेदार गेम है, वैसे अल्टीमेट एलियन सीरीज भी बड़ी ही मज़ेदार है। काश हमें वो सीरीज वापस देखने को मिले। अल्टीमेट फॉर्म में अनलिमिटेड स्टेमिना होता है बिना चीट कोड्स के, का स्टेमिना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। चीट कोड्स में तो ये है कि स्टेमिना ख़त्म होने का दोबारा बिना अटैक करे रिचार्ज हो जाता है। और देखिए कितने आराम से मिसाइल्स भी शूट कर सकते हैं। इससे लड़ने में तो बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आता है, ये सर्वर का बहुत ज़्यादा मज़ेदार पार्ट है। और मैं आपको बेंटन एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक का रिव्यू भी पूरा जब उसका गेम प्ले मैं दिखाना शुरू करूँगा तब मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगा। तो फिर देखिए कहीं से भी लैग नहीं हो रहा है, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा है, इस गेम में प्रॉब्लम बस स्मूथली चले जा रहा है। और ये गेम है बहुत ज़्यादा बड़ा, 617 MB, लेकिन जितना स्टोरेज स्पेस ये लेता है उतना ही उसे वर्थ भी करता है, वर्थ ही है इतने स्टोरेज स्पेस के। और अगर आप अच्छा गेम चाहते हैं तो वो थोड़ा सा तो स्टोरेज स्पेस आपका लगेगा ही, हाँ माना है थोड़ा सा नहीं है बहुत है, लेकिन आपको इतना तो लगेगा ही स्टोरेज स्पेस। तो फिर ये गेम बहुत ज़्यादा मज़ेदार गेम है, आप इसे ज़रूर खेलिएगा। ये चीज़ मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ मुझे खुद ही याद नहीं है, लेकिन ये इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा वेंटेन का गेम है और इसे खेलना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। और ये देखिए इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाता है, यानी कि ये जहाँ पे आपको मतलब सर्वर की जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। और अभी हमें टेरा स्पिन में बदलना है, मिक्सचर भी काम कर जाता। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, लेकिन आपको मुझे पता है कि इस गेम के रिव्यू को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और गेम पे वीडियो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा
तो वे कमेंट कीजिए। कुछ दिनों में गेम्स के वीडियो में भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा हम गेम्स की वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग ने कमेंट किया इस चीज़ पे कि गेम की वीडियो बनाओ। और लेकिन गेम की वीडियो के साथ साथ आपको वो ओरिजिन स्टोरीज, फैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें ये बेंटेन और बाकी जो दो सीरीज पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो दिखेंगी। और आपका अगर अगर पोकेमॉन की नई सीरीज ना नई मूवी का ट्रेलर चाहिए तो फिर वो भी आपको मिल जाएगी। तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी होगी आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो है, मुझे पता है कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिएगा, अगर वो अच्छा गेम चाहते हैं तब भी। और अगर वो अच्छा बेंटेन का गेम चाहते हैं, बेंटेन के फ़ैन हैं तब भी, तो फिर ये गेम आप ज़रूर खेलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप मेरी एंड स्क्रीन पर लगी वीडियो भी देख सकते हैं, तो फिर अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके दोस्त भी बनते हैं और गेम्स के इतने बड़े फ़ैन हैं, तो फिर उनको ये वीडियो जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।